शाहिद खान फूड ब्लॉग फ्रेंड्स, समर सीजन शुरू हो चली है तो मैं ऑल टाइम जो पसंद करती हूँ वो है हमारा फेवरेट लस्सी, वो भी पंजाबी लस्सी है। तो आज हम आप लोगों को लस्सी बनाने का सिखाएंगे फ्रेंड्स। गर्मी का मौसम है तो लस्सी बहुत ही भाता है, सभी को भाता है। तो हमें लस्सी बनाने के लिए हमने आधा के जी यहाँ पे दही लिया है और ये हमने बर्फ लिया है और हमारा ड्राई फ्रूट है, ये चीनी है और ये कैडबरी चॉकलेट्स है जिसे मैंने इसे दूध मिल्क डाल करके इसे अच्छे से एक पेस्ट बना लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम एक जार ले लें। जार में हम ये सारे दही को, ये देखिए ये जो दही है हम इसे इस जार में ऐड कर देंगे। चला गया, छोटा हो गया। अब इसमें हम बर्फ के टुकड़े को डालेंगे, ये देखिए ये बर्फ का टुकड़ा है, मुझे इसमें ऐड कर दिया। इसमें हमने आधा के जी दही डाला और बर्फ के टुकड़े को हमने यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे बर्फ के टुकड़े को डाल दिया है और थोड़ा सा हम यहाँ पे शुगर ऐड करके इसे ग्राइंड करेंगे। तो चलिए हम इसे अच्छे से पहले मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लेते हैं दही और बर्फ को। ये देखिए हम जो लस्सी बनाने जा रहे हैं वो चॉकलेटी लस्सी है, तो हम पहले थोड़ा सा लस्सी को चॉकलेट को इस तरह से अपने गिलास पे डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सारे गिलास पे इस तरह से। इस तरह से हम चॉकलेट को पहले डालेंगे, थोड़ा सा इसे इस तरह से हिला लेंगे हम ताकि चॉकलेट गिलास के ऊपर तक थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आ जाए इस तरह से। तो हो गया चॉकलेटी लस्सी बनाने के लिए हमने पहले चॉकलेट ऐड कर दिया है, अब हम इसमें अपना चॉकलेटी लस्सी बनाने के लिए पहले हमने गिलास में चॉकलेट ऐड कर दिया है, अब हम ये जो लस्सी को ग्राइंड किए थे वो ग्राइंड किया हुआ लस्सी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें लस्सी को ग्लास में डालना है। मैं स्पून की मदद से डाल रही हूँ, नहीं तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, इसलिए मैं इसे चम्मच की मदद से डाल रही हूँ लस्सी को। इसी तरह हम सारे ग्लास में लस्सी को ऐड कर लेंगे। ये क्या है फ्रेंड्स, समर स्पेशल लस्सी होता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है पीने में गर्मी में। मेरा तो ये पंजाबी लस्सी फेवरेट है, आप लोगों का है या नहीं कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अब मैं स्पून को रख देती हूँ और ऐसे ही डाल देती हूँ। ये देखिए ये तो थोड़ा सा इसमें हमारा, अब ये बर्फ वाला लस्सी है जो हम थोड़ा सा बर्फ भी इसमें ऐड करेंगे। इसमें बर्फ है, बर्फ भी डालेंगे अपने लस्सी में। ये देखिए इस तरह से हमने ग्राइंड किया हुआ लस्सी को अपने ग्लास में ऐड कर लिया है और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ये ड्राई फ्रूट है, इस तरह से हम ड्राई फ्रूट अपने लस्सी में रख देंगे और ये पिस्ता है। सारे लस्सी में हम इसी तरह से अपने ड्राई फ्रूट को इसी तरह से रख देंगे और ये हमारा पिस्ता है। चलिए फ्रेंड्स इसी तरह हम सारे लस्सी में इसी तरह से अपने ड्राई फ्रूट को ऐड कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा लस्सी बनके पूरे अच्छे तरह से तैयार है। अगर आप लोगों को इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता तो अपने लस्सी में डालें, मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए मैं अपनी लस्सी में एक एक इलायची का फ्लेवर दूंगी। ये देखिए हमने यहाँ पे इलायची डाल दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा लस्सी का रेसिपी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेती आऊँगी फ्रेंड्स। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे बेल वाले घंटी को क्लिक कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
चलिए फ्रेंड्स, हमारा लस्सी बनके तो तैयार हो चुका है। अब हम इसे पी करके देखते हैं कि हमारा लस्सी बना कैसा है। क्या है ना फ्रेंड्स, लस्सी पीना गर्मी में बहुत ही अच्छा लगता है और मूड फ्रेश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे जैसा लस्सी बनाएं और मूड को अपना फ्रेश करें। बाहर रेस्टोरेंट या ढाबे जाने की जरूरत नहीं, अपने घरों पर बनाएं और लस्सी, पंजाबी लस्सी का मजा लें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पी करके देखते हैं कि हमारा पंजाबी लस्सी बना कैसा है। बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हमारा एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हमारा लस्सी बना है, पंजाबी लस्सी। फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस जैसे मैंने बनाया है, आप लोग भी इसी तरह से फॉलो करके बनाए तो आप लोगों को भी लस्सी एकदम सेम इसी तरह से बनेगा। और पिए फ्रेंड्स, अपने फैमिली को पिलाए और मूड फ्रेश करे अपना और अपने फैमिली का। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। ये नहीं कि आप लोग लस्सी पी लिए और उसके बाद हमें लाइक कमेंट करना भूल गए। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं करना है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल वाली घंटी को क्लिक करिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और अब फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। ठीक है फ्रेंड्स।